हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैर के मसल्स को इंजरी या सर्जरी के बाद हमें किस तरीके से मजबूत करना है, कैसे हमें उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैर की कमज़ोरी के अलग अलग कारणों की और साथ ही हमने बेसिक एक्सरसाइजेस देखी थी। उसी वीडियो को आज हम आगे बढ़ाते हुए एडवांस एक्सरसाइजेस देखेंगे। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे जो कि एक समय पर एक से ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट करती हैं, जिससे आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे और साथ ही साथ में आपके जो लोअर बॉडी के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जल्द से जल्द बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो कि हमारे लोअर बॉडी के मसल्स को टारगेट करती हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सिंगल लेग ब्रिज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर इस तरह लेट जाएं। अब अपनी कमर को जमीन से ऊपर उठाएं और घुटने को सीधा करते हुए एक पैर को जमीन से ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को करीब 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप पीछे एक कुर्सी या बेंच को रख लें। अपने दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें, दोनों हाथों को सामने रखें और धीरे धीरे बेंच पर बैठें और बैलेंस बनाते हुए ऊपर उठें। ऊपर आते वक्त आप मुंह से सांस छोड़ेंगे और नीचे जाते वक्त आपको नाक से सांस लेनी है। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स की डेप्थ यानी गहराई को बढ़ाने के लिए पीछे से बेंच को हटा सकते हैं। एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप बारबेल, केटलबेल या फिर डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक पैर को पीछे ले जाएं, पिछले पैर का वजन आपके पंजों पर होगा। बैलेंस बनाने के लिए आप कमर पर हाथ रखें। अब अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे झुकें। आपके दोनों घुटने एंड पोजीशन में करीब 90 डिग्री पर मुड़े रहेंगे। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट कर सकते हैं। बॉडी वेट लंजेस जब आप आराम से और सही फॉर्म से करने लगें तो आप डंबल्स का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। लेग प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई पर प्लेटफॉर्म के बीच में प्लेस करें और इस पोजीशन से अपने घुटनों को सीधा करते हुए प्लेटफॉर्म को प्रेस करें। ध्यान रखें, आपको घुटनों को पूरी तरह सीधा नहीं करना है, यानी घुटने आपको लॉक नहीं करने हैं। इस एक्सरसाइज से क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप सिंगल लेग यानी कि एक पैर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों से प्लेटफॉर्म या सीढ़ी के कोने पर खड़े हो जाएं। आपके दोनों हाथ बैलेंस बनाए रखने के लिए आप सामने दीवार पर रख सकते हैं। अब अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं। ऊपर 1 से 2 सेकंड आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने घुटने और हिप ज्वाइंट को 45 डिग्री के करीब मोड़ लें। अब इस तरीके से ऊपर वाले घुटने को ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएं। ध्यान रखें, आपकी जो कमर है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से आपका जो ग्लूटियस मीडियस मसल है वो स्ट्रेंथन होता है और आपकी जो पेल्विस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस एक्सरसाइज के आप
10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको प्लेटफॉर्म पर एक पैर को आगे रखना है और बैलेंस बनाते हुए ऊपर चढ़ना है। इस एक्सरसाइज को हम स्टेप अप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप जिस पैर को आगे रखते हैं उस पैर के क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैर के पंजों को हिप यानी कमर की चौड़ाई से हल्का बाहर रखें। पंजे की उंगलियां करीब 45 डिग्री पर बाहर की तरफ रहेंगी। इस पोजीशन से आप स्क्वाट करें। नीचे जाते वक्त आप नाक से सांस लें और ऊपर आते वक्त मुंह से सांस को छोड़ें। सुमो स्क्वाट से थाई के एडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक डंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।